स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ चैप्टर वन सिविक्स इक्वालिटी। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख ले, फिर इसी वीडियो पे जरूर देखें। इस वीडियो में हम पार्ट फिफ्थ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें टॉपिक डिस्कस करते हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। क्या क्या इश्यूज हुए इक्वालिटी के अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। हमने जो जितने भी इश्यूज अभी देखे थे वो सब इंडियन कंटेक्स्ट के व्यू में देखे थे। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अलावा भी और जो दूसरी कंट्रीज थी उनमें इक्वालिटी किस तरीके से, इन इक्वालिटी किस तरीके से एग्जिस्ट करती थी। तो स्ट्रगल अगेंस्ट द इन इक्वालिटी इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली, देर आर मेनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। आप लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की थी, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहां पर आज भी इन इक्वालिटी की प्रॉब्लम को देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में बात करें, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफ्रीकन अमेरिकन फेस हूज इन इक्वालिटी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत ज्यादा हूज इन इक्वालिटी का ट्रीटमेंट दिया जाता था। अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। इन लोगों को बहुत इल ट्रीटमेंट दिया जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये लोग दूसरी जाति के हैं और इस तरीके से इनके साथ मिस ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था इनको। तो हम इस चीज को समझेंगे एक स्टोरी के थ्रू, स्टोरी ऑफ रोजा पार्क। आइए देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या होता है। In USA, there was a system that if a white person wished to sit in the bus, then black had to either sit at the back seat or get up from their seat. USA के अंदर एक ऐसा सिस्टम था जिसमें अगर किसी व्हाइट पर्सन को बैठना होता था बस के अंदर, तो अगर कोई ब्लैक आगे भी बैठा हो तो भी उसको वहां से उठना पड़ता था और पीछे बैठना पड़ता था, और अगर बस के अंदर सीट खाली नहीं होती थी तो उसको अपनी सीट से खड़े ही रहना पड़ता था। इस स्टोरी के अंदर जो रोजा पार्क है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। वो काम करती है तो वो क्या हो गई है, उस दिन वो टायर्ड हो गई थी फ्रॉम अ लॉन्ग डे वर्क। अपने पूरे दिन की दिनचर्या से वो बहुत टायर्ड हो गई थी। वो बस में जब बैठी थी तब, तो शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू अ व्हाइट मैन ऑन 1st December 1955। उसने साफ मना कर दिया, वो बहुत थक चुकी थी। और व्हाइट मैन जैसे ही उस बस में चढ़ा, उसने उसको बोला रोजा पार्क को कि आप जाइए पीछे बैठिए, तो उसने मना कर दिया, मैं पीछे नहीं बैठूंगी। और जैसे ही उसने ये रिफ्यूजल दिया, उसका ये रिफ्यूजल स्टार्टेड अ हूज एग्रीटेशन, एक एंगर की तरह फूटा लोगों के अंदर। और उस एंगर की वजह से एक मूवमेंट वहां पर लाया गया जिसको हम बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। और इस सिविल राइट मूवमेंट के बाद सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 वाज पास्ड। इसके बाद 1964 में ये एक एक्ट पास करा गया, सिविल राइट एक्ट, और इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन वॉज प्रोहिबिटेड। इसके अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन करता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे, वो सब चीजें हटा दी गई। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट स्कूल्स वर ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस, दे वुड नॉट हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स। पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अलग से स्कूल दिए, अलग स्कूल में उनको पढ़ाया जाता था। बट जब ये एक्ट लागू किया गया तो इन लोगों ने अफ्रीकन अमेरिकन के लिए भी सेम स्कूल में ही स्टडी स्टार्ट कर दी गई। एंड दिस ऑल वॉज डन टू इंश्योर इक्वालिटी। ये सारी चीजें इसलिए करी गई जिससे कि वहां पर भी इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। डिस्पाइट दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अमेरिका, इसके अलावा भी हम आज भी अमेरिका के अंदर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जिस तरीके से मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन आर पुअर, आज भी अफ्रीकन अमेरिकन पुअर कंडीशन में है वहां के लोग। और अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, वेयर एज व्हाइट स्टूडेंट अटेंड प्राइवेटली और हाईली रेटेड गवर्नमेंट स्कूल। अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स आज भी वहां पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और जो व्हाइट स्टूडेंट्स होते हैं, रिच क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में या फिर हाईली रेटेड गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं। और ये आज भी इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। हम नहीं कह सकते कि सारी कंट्रीज को, हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट से कि डेमोक्रेटिक है, बट लेकिन आज भी हमें कंप्लीटली डेमोक्रेटिक देखने को नहीं मिलता है। इंडिविजुअल ट्राई टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन वेरियस इश्यूज। आज मेन स्ट्रगल इज फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो तब देखने को मिलता है जब हम किसी पर्सन की डिग्निटी को हर्ट करते हैं, वॉयलेट करते हैं, और वो चीज आज भी हमारी डेमोक्रेसी के अंदर एक चैलेंज ही बना हुआ है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।